बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ आपकी हो जहरा रज़ा, और प्रोग्राम तब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ उभर कर सामने आती हैं, जिनमें से एक कॉमन बीमारी जिसको नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू भी कह सकते हैं, और ये एक किस्म के वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, उसकी वजह से होती है, जो कि बाआसानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। और अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं और अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरे बच्चे को इसके जरासीम लग जाते हैं। आज हम इसकी वजूहात पे बात करेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, शो में आपको खुश आमदीद, और इसके साथ आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तस्दीम कुरैशी ने। ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट में बतौर डीन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और साथ साथ तिब्बे नबवी सेंटर कराची में भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर ये बतौर हिजामा एक्सपर्ट भी हैं और ईस्टर्न मेडिसिन से भी इलाज करती हैं। शो में आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपको डायल करना होगा 3530577 और 3530577। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी हमें मैसेज करके अपना मसला लिख सकते हैं। नंबर है 03213660253। प्रोफेसर साहब, मौसम तब्दील हो चुका है, और मौसम की तब्दीली से जो बीमारियाँ आती हैं वो आप मुझे बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। मौसमी बीमारियों की अगर हम बात करें तो बहुत सी डिजीज़ आती हैं, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। इसके साथ साथ जब आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होती है तो आपके को टेम्परेचर भी होना शुरू हो जाता है, सीने की इन्फेक्शन हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, ये सारी वो चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की तो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह भी आपने बात की कि बच्चे अब इकट्ठे होते हैं, अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं या किसी जगह पर किसी प्ले ग्राउंड में इकट्ठे खेल रहे हैं, तो कुछ ये जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम या इन्फ्लुएंजा, ये वो डिजीज़ हैं जो कि एक से दूसरे को मुंतकिल होना हो जाती होती हैं। तो सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी, जहाँ भी गैदरिंग होगी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें सबसे पहले ख्याल ये करना होता है आपको कि अगर आप में से कोई बीमार है, उसको कोई इस तरह की बीमारी है जैसे इन्फ्लुएंजा या कोई, तो उसको चाहिए कि एक तो अवॉइड करें वहाँ जाने से, ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, और मास्क का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करना चाहिए। इसमें ख़ासतौर पर मौसम के मुताबिक जो आपकी गिज़ा उसका ख्याल करें, इन चीज़ों को। इसके साथ साथ अगर मौसम बीमारी की हम बात करें तो कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो जाता होता है सर्दियों के मौसम में, अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं मरीज़, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और बात करूंगा मैं, हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा मैं यहाँ पे हार्ट पेशेंट के हवाले से कि होता यह कि उनकी आर्टरीज जो होती हैं वो सुकड़ जाती हैं, जो ही टेम्परेचर डाउन होता है, गिरता है, कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो आर्टरीज जो सुकड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिल को पंप करने में, खून को भेजने में उनमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए ये होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि दिल के मरीज़ हैं, स्पेशली सर्दियों की आज मैं बात कर रहा हूँ, सर्दियों के मौसम में, तो उन्हें चाहिए कि वो हल्की सी धूप में वॉक ज़रूर लिया करें, ठीक है, जब इसके लिए, और साथ में ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग करने की वजह से भी उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली सर्दियों के मौसम, ठीक है। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ कॉलर भी हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैडम, खुर्रम बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। जी खुर्रम, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मुझे ये पूछना था कि मुझे रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा खांसी होती है। अच्छा, तो मैं मुझे किसी ने बताया था कि आप हकीम साहब से कांटेक्ट करें। अच्छा, आपकी खांसी खुश्क होती है या फिर बलगमी खांसी है आपको? मुझे थोड़ा सा डिटेल बताइए खांसी की। मुझे खांसी यानी जैसे ही मैं सोने का टाइम होता है तो खाने के बाद रात को तो खांसी या बलगम साथ आता है उसमें। सॉरी, आपकी खांसी खुश्क होती है या फिर बलगम साथ आता है उसमें? नहीं, खुश्क खांसी होती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप हनी यूज करें हिबालाइफ का, तो मैं हकीम साहब से कांटेक्ट करना क्या चाह रहा था कि ये इफेक्टिव है मेरे लिए या नहीं है, और अगर है इसके साथ कुछ और यूज करना है तो मुझे कुछ कंसल्ट कर दें, और ये भी बता दें इस्लामाबाद कब आएंगे हकीम साहब। ठीक है खुर्रम, आपका सवाल का जवाब लेते हैं।
और डॉक्टर तस्सीम, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि हकीम साहब ने बहुत सारी बीमारियाँ बताई, वजूहात क्या हैं इसकी बेसिक्स? में जो ना दोनों अवामिल हो सकते हैं, इंट्रेंसिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर हम अंदरूनी अवामिल या इंट्रेंसिक फैक्टर की बात करें तो इसमें ये होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, मरीज के अंदर या पेशेंट के अंदर। इसमें आपके मिजाज या उसकी अपनी अंदरूनी जो इनर्जी होती है वो जो है कम हो जाती है। सेकेंड, अगर एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स को हम अगर देखें तो उसमें एक तो एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स हैं, मौसम की सख्ती, वेदर वो गर्मी भी हो सकती है और सर्दी भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है आपकी बीमारी के ऊपर। सेकेंड ये कि आपका फूड इनटेक कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, रहन सहन आपका कैसा है, अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, तो वो भी इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप जा रहे होते हैं मौसम की खराबी की वजह से आप जा रहे होते हैं बीमारियों की तरफ। तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि आप जब भी कोई इनटेक करें, फूड इनटेक है या मशरूबात हैं, वो सब हेल्दी हों, एक तो हेल्दी हों, और अगर आपका टेम्परमेंट या मिजाज आपका सर्दी की तरफ मायल है तो आप सर्द चीजों से अवॉइड करें, और अगर गर्मी की तरफ है तो आप जो है ना उसमें आप ले सकते हैं सर्द चीजें, लेकिन उसमें मतलब इसको बैलेंस लेके चलना होता है कि जो आपका मिजाज है उस लिहाज से जो है ना आप चीजों का इंतखाब करें। ठीक है। और प्रोफेसर साहब, हमारे पास एक कॉलर थे खुर्रम इस्लामाबाद से, उनको खुश खांसी है और रात में उनकी खांसी बढ़ जाती है, और वो इस्लामाबाद का भी आप अपने विजिट का बता दीजिए। जी खुर्रम, खुश खांसी के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश होता है, इरीटेशन होती है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल नहीं करना, स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी, ऑयली फूड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, और नुस्खा आप लिख लीजिए, सिपिस्तान आपने लेनी है तकरीबन 10 अदद, 11 अदद ले लें दाने उसके, और उसके साथ गुले बनफशा आपने लेना है 5 ग्राम ले लीजिए उसको, मुलेठी एक टुकड़ा आप ले लीजिए छोटा सा, उसको आपने 1 से 2 इंच का उसको आपने तोड़ लेना है, इनको आपने तीनों को, इसमें उनाब भी शामिल कर सकते हैं, 5 दाने उनाब के शामिल कर लीजिए, तुख्मे खबाजी आप 1/2 टीस्पून डाल लें, और इनको आप बॉयल करें, बॉयल करने के बाद 1 गिलास पानी में, जब आधा पानी रह जाए तो इसमें आपने 1 से 2 टीस्पून ये बनफशा के शामिल करने, आप इसको रोज़ाना रात को पी लिया करें। अगर बाहर आप जाते हैं, आप बाइक पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, कि मौसम की तब्दीली फिर पोल्यूशन की वजह से भी बाज़कात आपका गला ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको खांसी आती है, तो इस नुस्खे को आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। आप अकेला शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आप नुस्खा पूरा करेंगे इस्तेमाल तो इससे इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और लाहौर, सॉरी इस्लामाबाद का आपने पूछा मुझसे, तो 26 और 27 तारीख को इंशाल्लाह मैं सुबह 11 से शाम 7 बजे तक अपने तिब्बे नबी सेंटर पे मौजूद हूँ, आप मुझसे वहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल खुर्रम, और इस वक्त टिकट्स भी चल रहे हैं, आप चाहें तो कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियों के ऊपर, और हमने बात की नज़ला ज़ुकाम के ऊपर। डॉक्टर तस्सीम, आपने वजूहात बताई, अब मैं जानना चाहूँगी, मुझे बताइए कि अलामात क्या हैं इसकी? अच्छा, इसमें देखिए अलामात ना डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परमेंट और मिजाज ऑफ द इंडिविजुअल ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्द नज़ला है या सर्दी की वजह से उसमें कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा नेज़ल कंजेशन होगा, फेशियल कंजेशन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इरीटेशन होगी, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, बहुत थिक कलर का होगा, और अगर इसकी वजह कोई गर्म चीज़ या गर्म इन्वायरमेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होगा, इससे इसके साथ साथ रेडनेस भी हो जाएगी, आइज़ में रेडनेस होगी, स्नीजिंग होगी, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बहुत ज़्यादा इसमें अगर हम कर लें कि फासिद मादा इसमें शामिल हो गया तो इसमें इसका ये होगा कि बैक्टीरिया या वायरस की एक्युमुलेशन वगैरह भी हो गई है, तो अगर इस कैफियत पर पहुँच गया तो उसमें जो ना फीवर वगैरह भी हो सकता है। सही। और प्रोफेसर साहब, नज़ले की बात की इन्होंने, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम बहुत सर्द है और बाकी बीमारियाँ भी होती हैं जो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिनमें से एक कॉमन जॉइंट पेन जैसे आर्थराइटिस है,
उन लोगों के लिए बताइए, क्योंकि उनका चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्दियों के मौसम में जहाँ पे नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू वगैरह के बढ़ जाते हैं, इसके साथ साथ जॉइंट पेन भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि होता यह है कि आपके जो इनके मसल्स जो होते हैं उनमें अकड़ाव आ जाता है, सख्त स्टिफनेस आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं। तो जब वो खासतौर के ऊपर जोड़ों का दर्द होता भी स्पेशली 40 साल के बाद ही वो देखने में आता है, इससे पहले तो नहीं होता। तो इसमें होता है कि एक तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वैसे ख़वातीन में स्पेशली देखें तो कुछ चेंज आ रही होती हैं उनकी बॉडी में, हार्मोनल चेंज होती हैं जिसकी वजह से उनको जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको एक तो अपने आप को सर्दी से बचाना है, दूसरा मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, एक ऑयल बताता हूँ उसको आप इस्तेमाल करें, और खाने में भी आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना, तली हुई अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। तो जोड़ों के दर्द के लिए मैं ऑयल जो आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा ऑयल है, आप उसको नोट कर लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। बहुत सादा सा ऑयल है, उसमें कुछ तलख लेनी है आपने, दो कुछ होती हैं, एक शीरी और तलख। शीरी हम हमेशा बताते हैं खाने के लिए, कुछ तलख जो है वो आपने ले लेनी है 5 ग्राम, और उसके बाद मालकंगनी आपने लेनी है 1 टीस्पून आप ले लीजिए, और साथ में इसके आपने दारचीनी 1 टीस्पून 5 ग्राम ले लीजिए आप, और जायफल 3 अदर, जावत्री 5 ग्राम लेके इनको सबको आप तिलों के तेल में तकरीबन 240 ml होना चाहिए आपका, आप पका लें इसको, जब ये सब अशिया जल जाएं छान के रख लें, और जोड़ों के दर्द के ऊपर जहाँ जहाँ आपके जोड़ों में पेन हो रही है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई करें बैरूनी तौर पे, तो इंशाल्लाह इससे जो है आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा। अंदरूनी तौर के ऊपर आपने अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून आप सुबह नाश्ते से पहले ले लीजिए, 1 शाम 5 बजे, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या वो शुगर पेशेंट है तो उन्हें चाहिए कि वो 1/2 टीस्पून अजवा का इस्तेमाल कर लिया करें, तो इससे उनका जोड़ों का दर्द भी ठीक रहेगा, असाब उनके जो उनकी सख्ती आ जाती है उनके उसमें अकड़ाव आ जाता है वो खत्म हो जाएगा इसके साथ इस्तेमाल करने से। ठीक है, और डॉक्टर तस्नीम आप तिब नबवी सेंटर में बतौर हिजामा एक्सपर्ट भी अपने खिदमात अंजाम दे रही हैं, तो अगर बात करूं मैं नज़ला ज़ुकाम या जिनको साइनस की प्रॉब्लम है या एज़मा का मसला है, तो उन वो अफराद हिजामा करवा सकते हैं साथ साथ तिब नबवी के इलाज के? अच्छा, इसमें तबीब के ऊपर मुनहसर है कि वो देखे कि किस लेवल पे आप हिजामा उसमें कर सकते हैं। अगर तो कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको ये लगता है कि उसमें ड्रेनेज करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा, दवाइयों से जो है ना पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, या आप दवा दे रहे हैं, मंजिश दे रहे हैं, उसके बाद उसमें मादे को निकाल रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो आप यस आप जो है हिजामा की तरफ आ सकते हैं। उसमें ये अगर आपके फेशियल कंजेशन है उसको भी वो रफ़ा करेगा, इसके अलावा जो है जो साइनसेस होते हैं, साइनस अगर ब्लॉक हो जाए, मैगजिलरी साइनस है या फ्रंटल साइनस है, तो अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो आप जो है ना उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट से कपिंग थेरेपी कर सकते हैं, अराउंड द आइज भी कर सकते हैं, या पफी उसको रिलीज करता है। लेकिन आपको ये देखना होगा जो सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसमें छोटे कप आप इस्तेमाल करें, और जो ना ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कर सकते हैं उसमें, वेट कपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ठीक है, और हमारे साथ कॉलर भी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, जीशान बात कर रहा हूँ। जीशान जी, जीशान क्या पूछना चाहेंगे? मेरे पेट में बहुत दिन शदीद कब्ज हो रही है। अच्छा, और ये आपको मर्ज कब से है, ये प्रॉब्लम कब से है आपको? ये मुझे मतलब मैं 3-4 महीने से हो रही है, कभी हो जाती है कभी सही हो जाती है, कभी हो जा रही है कभी सही हो रही है। खाने पीने में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? खाने पीने में मैं जैसे कि आम खाना होता है, घर का खाना। अच्छा, घर का ही खाना खा रहे हैं जी? ठीक है, ठीक है, जीशान हमारे साथ रहिए, हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जीशान थे हैदराबाद से, इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है और 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम है, खाना वगैरह घर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा जीशान आपने, खाना घर का इस्तेमाल कर, लेकिन अगर आप घर के ही पराठे इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह नाश्ते में आप पराठे ले रहे हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो पराठा जो है वो कब्ज पैदा करता है, उसको छोड़ दीजिए। आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते में आप, उससे ये होगा कि आपको आप हेल्दी भी होंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगी कुदरती तरीके से। इसके साथ अगर आप बाहर भी खाना खाते हैं तो उसमें आप गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, गोश्त अगर आपने इस्तेमाल करना है तो शोरबे वाला गोश्त होना चाहिए, उसमें सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, जहाँ पर आप 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ पर 1 रोटी का इस्तेमाल करें, और 1 प्लेट भर के बॉयल सब्जियाँ जिसमें गाजर है, मटर है, इस तरह की और सारी काफ़ी सारी सब्जियाँ, उनको आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनमें ज़्यादा उसको आपने भूनना नहीं है बल्कि बॉयल करके लेना है। और साथ में नुस्खा नोट कर लें, सकमुनिया वलायती आप ले लीजिए 10 ग्राम, गुलकंद आपने लेनी है 1 पाव। सकमुनिया को आपने पहले अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है, उसमें 1 पाव गुलकंद शामिल कर दीजिए, और उसको आपने खूब घोटना है
खरल में डाल के, फिर आपने 120 ml रोगन बादाम लेना है, वो उसमें शामिल करें, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएं और उसको आप हल करते जाएं, उसमें मिक्स करते जाएं, मुकम्मल तौर के ऊपर वो सारा रोगन जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेगी आपकी दवा, फिर आपने उसको महफूज करके रख लेना है। कुछ टाइम के बाद वो ऑयल ऊपर आ जाएगा, आपने जब भी इस्तेमाल करना उसको, उसको हल करके अच्छी तरह से ऑयल को उसमें दवा में गुलकंद में, तो फिर आपने 1 teaspoon रोजाना रात को सोते वक्त लेना है। ये ऐसा नुस्खा है कि इससे आपकी आंतों की खुश्की भी खत्म होगी, अगर आपकी आंतों की हरकत कमजोर हो चुकी है तो भी ये ठीक हो जाएगा कब्ज आपका। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ये इतना प्यारा नुस्खा है, ये सिर्फ ना बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए, और नफीस मिजाज खवातीन जो होती हैं जो तेज मुसल नहीं ले सकती उनके लिए भी ये अच्छा है। बालिहाज उम्र आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप ये कीजिए। और इसके अलावा हैदराबाद में तिब ए नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे हकीम उमर दराज साहब बैठे होते हैं पूरा वीक, और उसके अलावा हकीम आसिम हर हफ्ते को वहाँ पे होते हैं, अभी नेक्स्ट जो वीक आएगा हफ्ता आएगा उसमें भी हकीम आसिम वहाँ मौजूद होंगे हफ्ते के रोज, तो आप वहाँ पे जाकर भी मिल सकते हैं। मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, तिब ए नबवी सेंटर बिलमुकाबल अमेरिकन हॉस्पिटल लतीफाबाद 7:45 हैदराबाद, आप वहाँ जाकर भी उनसे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, और नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियों के ऊपर जिनमें नज़ला और ज़ुकाम बहुत ही कॉमन है। तो डॉक्टर तस्नीम, हमने अभी अलामात की बात की, वजूहात की बात की, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को या बड़ों को भी इससे बचाया जा सके? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर जो है आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं कि आपके आप में मौसमी बीमारियां जल्द से जल्द हो जाती हैं, तो इसमें एक तो आपको ना ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर आइसक्रीम्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बच्चों को उसे अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा इज्तनाब करें देना उनको। सेकेंड ये कि उनकी क्लोदिंग का ख्याल रखें कि जो है उनकी क्लोदिंग गर्म कपड़े उनको पहनाएं, जब वो बाहर निकलें तो बहुत गर्म कपड़ों में अच्छे मलबूस लेके निकलें। इसके साथ साथ अगर जैसे बारिश हो गई, जैसे अभी बारिश का सीज़न भी हो चुका है, इस हवाले से भी वो एहतियात करें, ज़्यादा उनको अगर सर्दी है और ऑलरेडी सर्दी है और उसके साथ बारिश भी हो गई तो उनको बारिश में निकलने से उनको रोका जाए। ठीक है, और प्रोफेसर साहब, बच्चे जो कि बहुत छोटे होते हैं 2 साल 3 साल से भी छोटे, अगर उनको इस बुखार हो जाए या समटाइम्स बुखार बहुत बढ़ जाता है और निमोनिया की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, तो ऐसे बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना इतने छोटे होते हैं वो ठीक होता है? और दूसरा ये अगर तिब ए नबवी की रोशनी में बताएं इन बच्चों के लिए तो उनको क्या खिला सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत वीक होते हैं, और सर्दी में जिस तरह भी आप बात की डॉक्टर साहब ने कि बारिश के मौसम में ख्याल रखिए, अक्सर बच्चे भीग जाते हैं और बच्चे जो होते हैं जब बारिश होती है तो उसको खूब इंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से जब भीग जाते हैं बच्चे, तो फौरी तौर के ऊपर सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उनके लिबास उसको चेंज कर दें और गर्म पानी के साथ आप उन्हें गुसल दें नहलाने, क्योंकि जब बाहर से बच्चे आते हैं बारिश के पानी में तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखने में आता है कि अब गलियों में पानी बह रहा होता है, नालियों का गंदा गटर का पानी, तो उसकी वजह से बहुत से जरासीम उनके जिस्म के साथ लग जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद जो है नहलाएं धुलाएं, उसके बाद फिर शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे जो कभी बाहर नहीं निकल सकते या माँ बाप के साथ ही होते हैं घर में ही होते हैं माँ, तो उन्हें वो बच्चे जल्दी बीमार होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है शहद का इस्तेमाल करें। शहद एक ऐसी चीज़ है कि एक तो ये कि इसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, अगर आपके बच्चे खुदा ना खासा वायरल इन्फेक्शन होगी है तो ठीक हो जाएगी, फंगल इन्फेक्शन होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी इसके साथ इस्तेमाल करने से। दूसरा ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत बढ़ाएगा, और तीसरी बात ये कि एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है, इसको आप बतौर दवा और ग़िज़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको ग़िज़ाइयत भी बच्चे को मिलेगी, ताकत भी मिलेगी उसको, और बीमारी का मुकाबला करने की सलाहियत भी उसमें बढ़ेगी, और ऑलरेडी इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि जरासीम वगैरह को ख़त्म करती हैं, तो शहद ज़रूर इस्तेमाल करवाएं आप अपने बच्चों को। जी बिल्कुल, और कॉलर भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, आपसे पूछना है, मैं 5 साल हो गए और औलाद का जो ना अभी तक कोई वो नहीं हो रहा, मैंने रिपोर्टिंग भी कराई थी अपने सारे रिपोर्ट वपोर्ट कराए थे, तो उसमें भी मैंने पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ। अच्छा, तो कुछ नहीं, और आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उनकी भी रिपोर्ट नॉर्मल है तकरीबन, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है।
आपकी भी और आपकी मिसेज की रिपोर्ट दोनों की नॉर्मल है जी, यही है। जी ठीक है, ठीक है, है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बता दीजिए। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, ठीक है अब्दुल अजीज, बेहतर ये है कि आप जो है तिब ए नबवी सेंटर हमारा इस्लामाबाद में है और आप वहाँ आकर अपनी रिपोर्ट्स और वाइफ को साथ ला के दिखा लें ताकि प्रॉपरली आपको पता चल जाए कि क्या डिजीज़ है, क्या मसला है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। और हकीम साहब मौजूद भी होंगे। हकीम साहब आप कौन सी डेट में अवेलेबल? जी मैं इंशाल्लाह 26 और 27 तारीख को बरोज़ हफ्ता इतवार वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। नीचे टिकट भी चल रहा, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बता दूंगा, आप अपनी मिसेज को अनार का छिलका लेके उसका पाउडर तैयार करें। अनार का छिलका सही होना चाहिए, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगी हो। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते से पहले अरके मकोह के साथ आप दे दें, एक कप के साथ शाम 5 बजे दे दें। और ख़ुद से मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आप उसको भी तैयार करके खाना शुरू कर दें। मगज़ बिनोला आपने लेना है 50 ग्राम, मिस्री सालब 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, मुसली सफ़ेद 50 ग्राम और कुश्ते शीरी 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के इनके बराबर आपने मिस्री शामिल कर लीजिए इसमें, या शक्कर ब्राउन शुगर होती है वो शामिल कर सकते हैं। एक एक टीस्पून सुबह शाम आप लेते रहें। और सुबह निहार मुँह अजवा ब्लेसिंग का आपने इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून और शाम 5 बजे 1 टीस्पून। जी अब्दुल अजीज़, जो मैंने अभी आपको नुस्खा बताया इसके साथ साथ आपने दुआ का भी करनी है, क्योंकि ये जो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान करीम में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब ला तज़रनी फ़र्दम वअंता ख़ैरुल वारिसीन। आपने पूरी एक तस्बीह की करनी है, अपनी मिसेज से भी कहें नमाज फजर के बाद आप इसका अहतमाम कर लिया करें, या इशा की नमाज के बाद काफ़ी टाइम होता है उस वक्त आप कर सकते हैं। तो रोज़ाना ये एक तस्बीह भी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और डॉक्टर तस्नीम, आपने अभी इसकी प्रिकॉशंस बताई, साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि तिब्बे नबवी में अगर मैं आपसे पूछूं कि नज़ला ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा का क्या इलाज है तो आप क्या बताएंगी? अच्छा, इसमें जो है आप हमें जो है ना अदरक वगैरह, अदरक का अगर आप दें, अदरक का कहवा बना लें, कहवा भी ले सकते हैं, उसको पानी भी ले सकते हैं, उसमें शहद का मिला के जो है अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है नज़ला ज़ुकाम के लिए। ठीक है, और प्रोफेसर साहब आप कोई नुस्खा बताना चाहेंगे नज़ला ज़ुकाम के हवाले से तो वो भी हमारे नाज़रीन? जी बिल्कुल, नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राबी, उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम, मुलठी का पाउडर 50 ग्राम, गुल बनफ्शा 25 ग्राम, सिपिस्तान लसूड़ियाँ जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एक नुस्खा बताया था आपने लेनी है 25 ग्राम, तुख्मे खबाजी 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेके बारीक पीस के शहद बलफ शहद लेना आपने 3 गुना इससे ज़्यादा ले लें। अगर इनका वज़न आपके पास बनता है 200 ग्राम तो 600 ग्राम ही बलफ शहद आपने लेना है। इसको आप पूरा एक माजून तैयार करके तो सुबह शाम आप ले लिया करें, छोटे बड़े सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इंशाल्लाह लेना चाहो तो आपको शिफा होगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तारिक अहमद साहब आपका और डॉक्टर तस्नीम कुरैशी आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही अहम मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को फरहाम की। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुन्नत-उन-नबी हिबा लाइफ पाकिस्तान में तिब्बे नबवी का वाहिद मुस्तनद इदारा है। हिबा लाइफ की तमाम मुस्तनद तिब्बे नबवी अद्वियात अब हिबा लाइफ सेंटर के अलावा मुल्क के माया नाज डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी दस्तयाब हैं। कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद तमाम हिबा लाइफ सारफीन अपने शहर के मुतालिका स्टोर से मुस्तनद हिबा लाइफ मसनूआत बा आसानी हासिल कर सकते हैं।